जिला पठानकोट के एक नौजवान ने नशे से दूर रहकर बाकी नौजवानों को एक अलग संदेश दिया है। जहां जिला पठानकोट के सरना वार्ड नंबर 45 के निवासी अमनदीप लाची ने खेडा वतन पंजाब दिया में हिस्सा लेकर और सोने का तगमा जीतकर अपना नाम लिखवा लिया। बता दें आपको कि अमनदीप दो दिन पहले ही बीमारी के चलते अस्पताल से डिस्चार्ज हो घर वापस आया था। उसका सारा ध्यान पंजाब सरकार की तरफ से करवाई जा रही खेडा वतन पंजाब दिया में। मीडिया से बातचीत करते हुए अमनदीप लाची ने कहा कि वह पूरा साल तैयारी कर रहे थे, लेकिन बीमारी के चलते वह काफी निराश हो गए, पर फिर भी उन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा। घर वालों को बिना बताए वो ग्राउंड पहुंच गए, जहां पर अमनदीप की तरफ से जैवलिन थ्रो फेंकने में पहला स्थान हासिल किया। वहीं अमनदीप लाची ने कहा कि उनके सर पर बाप का साया नहीं है, पर आज तक उन्होंने कभी नशे को हाथ नहीं लगाया। वही अमनदीप लाची के जज्बे दृढ़ता को देखते हुए समाज सेवी संस्थाओं के मेंबर ने उन्हें सम्मानित किया है। वही बातचीत करते हुआ राघव और हरीश गोरखा ने कहा कि ये उनके लिए मान वाली बात है कि नौजवान बीमार होते हुए भी उसने अपना सपने को टूटने नहीं। पठानकोट से सोनू गुप्ता की रिपोर्ट, AMI न्यूज पंजाब। सर मेरा संघर्ष से मेरी मेहनत घट्टो घट दो तीन साल की हैगी है। तो सर मैं गोल्ड जीते है जैवलिन थ्रो च, सिल्वर मैडल है मेरा लोंग जंप च। ठीक है सर, खेड पदर पंजाब सर। ठीक है जी, पठानकोट डिस्ट्रिक्ट। मैं जिस दिन मतलब कि गेमा से उस तो दो दिन पहला ही डिस्चार्ज होया हॉस्पिटल तो मैंने डॉक्टर ने बैड रेस्ट दसी हुई थी। तो उन्होंने मैंने घट्टो घट्ट कहा कि ना ज़्यादा हैवी काम करना है तो ना कोई ज़्यादा फिरना है, तो रेस्ट ही मैंने बैड रेस्ट। तो मैं गेमा का इन्ना जनून से कि मैं हॉस्पिटल ही सर, तो उत्थे भी मैं ही सोचता मैं क्या डेट निकल जानी है 27 तरीक निकल जानी है 27 तरीक निकल जानी, मेरी गेमा गई हैं, साल बर्बाद मेरा, मेहनत बर्बाद। वो शुक्र रब वालों मैंने 25 तरीक में छुट्टी मिल गई, तो उस तो अगले दिन फिर जाके मैं गेमा खेलियाँ घरदियों तो चोरी जाए गेम खेड के मैं गोल्ड मैडल जीत के ले गया। गोल्ड मैडल जीत के लिए सर मैंने बहुत प्राउड फील हो रहा, सब तो प्राउड फील होना राघव भाई जी उन्होंने मैंने जो जो सम्मान किया, गोरखा भाजी ने, सुरेश चाचे उन्होंने, मैंने बहुत प्राउड फील होने कि मैंने प्राउड फील सब तो ज़्यादा ये होने कि मैं अपने सरने वास्ते अपने सरने का मान मान बताया गोल्ड जीत के लिया गया। तो सर मैं बस मेरी होर कोई गल नहीं, मैं सिर्फ प्रशासन में चाहे अपने सरकार को यही कहना चाहता हाँ कि मैनू नहीं सानू सारे बच्चों उत्थे ग्राउंड इशू की जाए, ग्राउंडा नहीं साढ़े सरने बार च, क्योंकि यार बच्चे भी देखो मेरे को घट्टो घट्ट सरने के फिर बुढ़ा नगर के छोटी नहर के घट्टो घट्ट मेरे को 20-25 बच्चे है जिन्होंने मैं फ्री कोचिंग देना हाँ, उन्होंने मैं अपने पलों समान देख भी समान करना कि खेडो खेडा से ध्यान दो अगे बधो नशियां तो दूर रहो। तो मैं प्रशासन बस यही चाहना है कि सानू ग्राउंड इशू की जाए कि जो कि सरकार वालों फंड आता जिदा स्पोर्ट्स का बच्चों आता बार्ड बूर्ड चाहता वो सानू प्रोवाइड किया जाए। है सर अपील की करना चाहते जो नशे की दल दल मैं तो सर उन्होंने यही कहना चाहता नशे से कि नशा नशा मुक्त करो, नशा छोड़ो, तो गेम अपना अपनी गेम जो गेम नहीं अपने पढ़ाई वाल ध्यान दो, IB अफसर बनो, जिन्हें नहीं स्पोर्ट्स जाना चाहते वो अपने ज़्यादा तो ज़्यादा कोई साइंस टीचर या IPS अफसर बनो, बस मैं यह कहना चाहना। अज थोड़े एरिए का बंदा लड़का जो नौजवान वो मैडल जीत के लिया है, तुम्हें उन्होंने सम्मान किया है, किदा का महसूस कर रहे हो, तो की कहना चाहते हो? तो बहुत ही प्राउड फील हो रहा कि साढ़े एरिए का जोड़ा साढ़ा छोटा भरा अमनदीप जोड़ा गोल्ड मैडल जीत के लिया, तो आप अरदास करते हैं कि अगे भी ये खेडा अपनी रुचि बनाई रखे, रब इन तंदुरुस्ती बख्शे, जो ये आने वाले टाइम पर जिदा जिदा खुद गोल्ड मैडल लिया रहा, तो तुम देखा होगा आए दिन ये काफ़ी बच्चों ट्रेनिंग वगैरह भी दिता, कोचिंग भी दिता, काफ़ी ये सेवा वाले काम भी करता, तो आई आए दिन इनू यदि तारीफ करते रहेंगे तो यदा उत्साह जोड़ा वधा रहे, तो ये चंगे काम वाल ध्यान दिता रहे, तो नशियां तो दूर रहे, तो अपने जोड़ा सारे पूरे अपने एरिए लोगों का जोड़ा मान सम्मान है वह वधाता रहे, इस तरह गोल्ड मैडल जीत के तो बहुत ही वधिया गल है, बहुत ही प्राउड फील होंगे जो पूरा साढ़े एरिए नहीं थला साढ़े पठानकोट का नहीं सारे अपने मान वाली गल है कि काफ़ी घट एथलैटिक्स होंगे जोड़े अपने कि जैवलिन थ्रो के जाते हैं, तो अपनी चूज वाली गल है कि जी खेड जिन्हों पसंद है उन्होंने वो रुचि रखनी चाहिए है, तो बहुत बहुत मुबारक है साढ़े छोटे भरा, धन्यवाद जी। तो जी इन्होंने हम ग्राउंड की मांग की है, तुम्हें क्या लगता है कि जायज़ है और कि? बिल्कुल सर 120% इन्हों की मांग है जी, वो बिल्कुल जायज़ है, तुम्हें देखा होगा साढ़े सबने जोड़े एरिए उ ग्राउंड नहीं हैगी, इन्हों जिहड़ा कि ग्राउंड वास्ते इन्हों काफ़ी दूर दूर जाना पैंदा, ये बहादुरलाड़ी वाली साइड या उधर सुजानपुर वाली साइड जाते हैं, तो साढ़े सरने भी एक ग्राउंड होनी बहुत जरूरी है, तो प्लस अपने प्रशासन या अपने मंत्री साहब नूं चाहिए कि इन्हों खेडा का जोड़ा समान है वह किटा वगैरह वो प्रोवाइड करवाइया जा, जो इन्हों की रुचि है जी खेडा वाल होर उत्साह होंगी रहे,
काफ़ी नौजवान आ जिहड़े इहदे कोल फ्री कोचिंग लैंदे ने ते बहुत वधिया इह कारगुजारी कर रहे ने ते सरकार नूं वी चाहीदा कि थोड़ा बहुता अपना भी इन्हां दे खेड वाले रुचि नूं ध्यान दिंदे होए कि तां जो नौजवान पीढ़ी आ जिहड़ी ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੀਡ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਰਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਅਮਨਦੀਪ ਲਾਚੀ ਸਰਨਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 45 ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਰਾਘਵ ਮਲਕਪੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਕਿ ਇਸ ਅਮਨਦੀਪ ਲਾਚੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਨਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 45 ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੋਡ ਆਇਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ SSP ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਧਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ SHO ਮੈਡਮ ਔਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ 45 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ SHO ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 45 ਪਿੰਡ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨਦੀਪ ਲਾਚੀ ਨੇ ਇਸ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਸਪਿਟਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਜਿੱਤੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਿਓ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਖੇਡਾਂ।